इस समय सोशल मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि इस टीवी एक्ट्रेस ने मतलब मुनव्वर के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, लेकिन ये स्टैंड लेने का जो तरीका था, मतलब एक हिसाब से कहा जा सकता है कि भाई इन्होंने इनडायरेक्टली स्टैंड लिया है मुनव्वर का। बट जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं, वो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ये मुनव्वर के लिए ही किया गया था या फिर मुनव्वर के सपोर्ट पर किया गया था। फिलहाल आखिर क्या कहा है उन्होंने और कौन है ये एक्ट्रेस, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दें कि मुनव्वर, जो कि भाई इस समय बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं और अलग अलग तरीके की बातें उनको लेकर हो रही हैं, अलग अलग तरीके की नज़रें उनके ऊपर जो है टिकी हुई हैं कि यार मुनव्वर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या फिर मुनव्वर को छुपा रहे हैं या मुनव्वर ऐसी कौन सी बात है जो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके की बहुत सारे सवाल हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो उठ रहे हैं और उंगलियां उठ रही हैं अलग अलग तरीके से मुनव्वर पर। लेकिन फिलहाल अगर आपको बताऊं तो एक टीवी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है नीति टेलर, उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की है, आप देख सकते हैं ये बड़ा सा जो पैराग्राफ उन्होंने लिखा है इसमें नीति लिखती हैं, जिसके बाद मतलब इसको शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि शायद मुनव्वर के लिए किया गया है। और इसमें वो लिखती हैं कि इट्स डिसहार्टनिंग टू विटनेस द पब्लिक स्क्रूनिटी ऑफ समवन्स पर्सनल लाइफ ऑन रियलिटी शो, क्रिटिसाइजिंग एंड डिमीनिंग अ पर्सन डिस्पाइट क्लेमिंग टू लव देम सेंड्स कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस टू टुडेज जनरेशन, लव शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू पब्लिक डिग्रेडेशन, वन वंडर्स व्हाई सच मैटर्स नीड टू बी एयर्ड पब्लिकली when genuine concerns could be addressed privately. It's a reminder of how complexities and contradictions in how relationships are portrayed and judged in public eye. The consequences of publicly tarnishing someone's character extend beyond entertainment. It causes genuine mental distress. It takes immense effort to build a name enduring countless hardships. Let's not allow hate to tarnish the hard-earned reputation in a world preaching kindness on public platforms. Publicly preaching kindness, it's a crucial to question the public negativity we witness on public platforms. Publicly dismantling someone's character can inflict severe mental distress, and it's crucial to recognize the line between entertainment and harm. It's time to stop the cycle of harassment and focus on positivity. It's wrong. It's better to let go and trust that there is higher power overseeing everything, ready to administer justice in due time. उसके बाद उन्होंने नीचे ये भी चीज लिखी है कि PS not siding anyone, but whatever is happening is wrong. #BigBoss17. तो जिसके बाद यहाँ पे एक चीज लोगों ने अनुमान जो लगाया वो यही है कि यार कहीं नीति टेलर मुनव्वर को सपोर्ट तो नहीं कर रही है। फिलहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।